वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने बैक सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हम कितनी बार दे सकते हैं। सो इस टॉपिक को थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। सपोज़ कीजिए, अगर आपके दिसंबर 2017 के एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ जाती है, देन उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप जब चाहें तब दे सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना एग्ज़ाम, जो आपका बैक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, उसे नेक्स्ट सेशन यानी कि जून 2018 में दें, तो आप उसे जून 2018 में दे सकते हैं। अगर आप जून 2018 में भी नहीं देना चाहते तो आप उसको दिसंबर 2018 में दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी कि अगर आपके कोर्स की मैक्सिमम ड्यूरेशन जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं किसी भी सेशन में, चाहे वो जून सेशन हो या दिसंबर सेशन हो। और अगर आप चाहें कि आप उसे नेक्स्ट सेशन में नहीं देना चाहते और आप उसे फाइनल ईयर के साथ देना चाहते हैं, तो आप उसे अपने फाइनल ईयर में भी उन सभी बैक एग्ज़ाम को, यानी कि बैक के जो एग्ज़ाम हैं आपके, उन सभी को एक साथ दे सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई इशू होता है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि अगर उनके सब्जेक्ट में बैक आ जाती है तो उनका नेक्स्ट सेशन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप जब चाहें अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। यही इग्नू की एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम को जब चाहें तब दे सकते हैं। यानी कि अगर आप इग्नू से बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी कि बीए, बीकॉम या बीएससी ऐसा कोई कोर्स कर रहे हैं जो कि 3 साल का है और मैक्सिमम ड्यूरेशन उसकी 6 साल की है, तो आप अपने फर्स्ट ईयर के बैक का एग्ज़ाम मिनिमम 8 बार दे सकते हैं। यानी मिनिमम टू मैक्सिमम 8 बार अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं बैक सब्जेक्ट का। तो इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है। देन यहाँ पर आपको चॉइस मिलती है कि आप जब चाहें अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और कितनी बार चाहे उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं जब तक वो क्लियर ना हो जाए। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।